गाइस, मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर पिगमेंट रेजर के लिए और मेलाज्मा के लिए कोई ऐसी क्रीम बताए जिससे हमारे पिगमेंट रेजर जो है एक्चुअली में ख़त्म हो जाए और हमारा स्किन पूरी तरह से क्लीन हो जाए। और गाइस, मैं यहाँ पे हल्की सी जानकारी देना चाहता हूँ पिगमेंट रेजर के बारे में। गाइस, जब आपके स्मर डार्कनेस आने लगती है, आपके स्मर कालापन आने लगता है, तभी गाइस आपके स्मर धीरे धीरे पिगमेंट रेजर आना लगता है। अगर आपके स्किन में कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रखी है तो गाइस आपको ऐसी कोई नाइट क्रीम या आपको ऐसी कोई क्रीम यूज़ में लेनी है ताकि आपके स्किन से डलनेस को दूर करे और आपके स्किन को एक नेचुरल स्किन टोन प्रोवाइड करे। क्योंकि यार, धूप की वजह से आपके स्किन में डार्कनेस तो आने लगती है, बट आपके इसमें हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, मेलाज्मा की प्रॉब्लम, क्लोजमा की प्रॉब्लम, ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपको एक नाइट क्रीम अच्छी यूज़ में लेनी चाहिए ताकि आपके जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। लेकिन गाइस, आज की वीडियो में आपको ऐसी क्रीम से मिलवाने वाला हूँ जो कि आपके बजट के अंदर है। अगर आपके स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या मेलाज्मा की प्रॉब्लम है, उनको जो ठीक करती है और आपके स्किन नेचुरल स्किन टोन प्रोवाइड करती है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके प्लीज़ एंड तक देखें। तथा आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रही कि आपको नीचे की साइड में सब्सक्राइब लिखा हो दिख रहा हूँ, उस पर क्लिक कर देना है ताकि आप हमसे जुड़ जाओ। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो घंटी आती है उसको भी याद रख के दबा देना है ताकि मैं कोई भी नहीं उड़ालू उसका आपको तुरंत पता लग जाए। साथ ही गाइस, इस वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि यार मुझे भी अच्छा लगे, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ आपको पसंद आ रही है नहीं, तो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो गाइस, अब बात करते हैं इस क्रीम के बारे में। तो गाइस, इस क्रीम का नाम है लाइस लाइट स्किन रेडियंस स्किन लाइटिंग क्रीम। तो गाइस, अब बात करते हैं इसकी इंग्रेडिएंट की। तो गाइस, इसमें कोजिक डिपेलबिट उसमें लगे जो कि आपके स्किन से डार्क स्पॉट को, पिगमेंटेशन को, हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव करता है और आपके स्किन को नेचुरल स्किन टोन प्रोवाइड करता है। और गाइस, इसके साथ में ग्लाइकोलिक एसिड उसमें लगे है जो कि आपके स्किन से एक्ने मास को खत्म करता है और आपके स्किन को न्यू स्किन प्रोवाइड करता है। और गाइस, इसके साथ विटामिन यूज में लगे और बोडी यूज में लगे जो कि आपके स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो यार, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स उसमें लगे जो कि आपके स्किन के लिए सेफ है। तो गाइस, अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो गाइस, आपको 20 ग्राम का करते हैं कि आपको 300 रुपये के आसपास इसलिए मिल जाएगा, जो कि थोड़ा महंगा है बाकी क्रीम्स की तुलना में। आप इसे ऑफलाइन भी बाय कर सकते हो मिले तो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी सारी लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधे इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हो। गाइस, इस क्रीम को आपको नाइट में यूज में लेना है, अपने स्किन टाइप के अनुसार किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपने स्किन को वॉश कर लेना और उसके बाद आपको इस क्रीम को अपने स्किन पर अप्लाई करना, रात भर छोड़ देना है। तो गाइस, अब बात करते हैं इस क्रीम के बेनिफिट की। गाइस, अगर आप भी इस क्रीम को यूज़ करना चाहते हो तो यार बिल्कुल इसमें ले सकते हो। अगर आप इसको कंटिन्यूज में लेते हो तो आपके से डार्क स्पॉट को, मेलाज्मा को, हाइपर पिगमेंटेशन को एक्चुअली रिमूव करते हो, आपके स्किन को नेचुरल स्किन टोन प्रोवाइड करती है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो यार बिल्कुल इसमें ले सकते हो, क्योंकि यार जैसे जैसे गाइस आपकी उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे आपके स्किन पर मेलाज्मा की प्रॉब्लम, हाइपर पिगमेंटेशन प्रॉब्लम आने लगती है और आपके स्किन पर काफ़ी ज़्यादा डलनेस आने लगती है। अगर आप भी इस क्रीम को यूज़ करना चाहते हो तो यार बिल्कुल इसमें ले सकते हो। और गाइस, इस क्रीम को ऑल स्किन टाइप वाले इसमें ले सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों इस क्रीम को इसमें ले सकते हो। अगर आपके स्किन ज़्यादा है सेंसिटिव तो आप इसको डायरेक्ट अपने स्किन पर अप्लाई मत कीजिए, आप इसका हल्का सा पेस्ट टेस्ट करवा सकते हो ताकि आपको पता चले कि ये क्रीम आपके स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो यार बिल्कुल इसमें ले सकते हो। और गाइस, आपको इस क्रीम को कंटिन्यूज करना है, ऐसा नहीं कि आपने इसको 7-8 दिन तक यूज़ करो आपको रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। गाइस, एक चीज़ को आप नोटिस कीजिए, आपकी स्किन पर अचानक से तो पिगमेंटेशन नहीं आया, पहले आपकी स्किन पर डलनेस आने लगती है, आपके स्किन पर काफ़ी सारे डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम होती है, फिर धीरे धीरे आपके स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आने लगती है। ऐसे ही आपको इस क्रीम से धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा, आपको इंस्टेंट रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो यार बिल्कुल इसमें ले सकते हो। और गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट लर्निंग, ओके बाय।